गोड्डा से, हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस कांग्रेस से प्रत्याशी प्रदीप यादव जी, और देवघर मोहनपुर से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, माताएं बहने और नौजवान युवा साथी, इतने कड़े धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग काफी घंटों से इंतजार कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ संविधान लोकतंत्र बचाने आए हैं, भाईचारा बचाने आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके धन्यवाद हम करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने हमको सलाह दिया कि जो हड्डी में चोट है हमारे, सलाह दिया कि आप कम से कम 3 हफ्ता बेड रेस्ट करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर साहब को बोला देखो अब तेजस्वी तभी बेड रेस्ट करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करा देंगे। इतना झूठा प्रधानमंत्री हम लोगों ने आज तक देश में किया। पूरे दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री का अगर नाम है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। हर बात पे झारखंड और बिहार के लोगों के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया। पहले 14 में क्या भाषण बोलते थे, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेगा, काला धन लाएगा, साल में 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुआ उस वादे का, बताइए वादा पूरा किया? 19 में आके कहते हैं सब किसान भाई का भाई बनो, सब किसान भाइयों का माए दुगुना कर देंगे, सबका पक्का मकान बना देंगे, हम कारखाने खुलवा देंगे, इंडस्ट्री बढ़ा देंगे, देश का जीडीपी बढ़ा देंगे। कुछ भी वादा जो है नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, कोई पूरा नहीं किया। आज हम देवघर आए हैं, मोहनपुर आए हैं, एक काम बता दो जो नरेंद्र मोदी जी ने मोहनपुर के लिए और देवघर के लिए किया हो, तो एक काम कोई बता, कोई छोटा काम बता दो अगर नरेंद्र मोदी जी ने यहां के लिए किया हो तो। कोई काम किया नहीं। अब आते हैं क्या कहते हैं भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले, ये विपक्ष वाले आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका 2 भैंस में से 1 भैंस छीन लेंगे। अरे मोदी जी मुद्दे की बात कीजिए, गरीबी महंगाई बेरोजगारी जो बढ़ गई है, आपका महंगाई का म मुंह से नहीं निकलता, गरीबी का ग मुंह से नहीं निकलता, बेरोजगारी का ब मुंह से नहीं निकलता। आप हिसाब दो कि 10 साल में आपने कितने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है। इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, काम की बात सुननी है, और काम आपने क्या किया ये बताइए। झारखंड आए होंगे लेकिन हिसाब नहीं दिया होगा कि 10 साल उन्होंने झारखंड के लिए क्या किया, उन्होंने हिसाब नहीं दिया होगा कि अगला 5 साल अगर मिलेगा तो झारखंड के लिए क्या करेंगे। केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करके वो ठगने का काम करना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से पूछना चाहते हैं, हम लोग मंगलसूत्र छीनने वाले हैं, बताइए हाथ उठा के। एक बार खड़गे जी का जाना है, अच्छा धूप पीछे, बताओ मंगलसूत्र कब पहनाते हो, शादी में ना? अरे नौकरी लगता है तब ना बढ़िया से शादी होता है। मोदी जी ने तो नौकरी लगाई नहीं तो शादी नहीं हुआ, तो लोग तो मंगलसूत्र नहीं पहना रहा है। लेकिन तेजस्वी ने 17 महीनों में बिहार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। अरे 5 लाख में से कुछ हजार लोग तो बिया किया होगा ना नौकरी के बाद, तो हम लोगों ने तो मंगलसूत्र पहनाने का अवसर दिया नौजवानों को। मोदी जी झूठा बात मत बोलिए, हम लोग जानते हैं आप झूठ बोलने के फैक्ट्री है, आप झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, आप झूठ बोलने के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं।
अब जनता पकड़ ली है, अब आपके झूठ में फंसने वाली नहीं है। और इसलिए हम मोदी जी को बोलते हैं कि इतना बढ़िया ही झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। तो देखो यहां से गोड्डा से जो सांसद है, किस माइंडसेट के लोग हैं हम लोग जानते हैं। लोग नकारात्मक लोग हैं, ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। हम आप लोगों के बीच आए हैं, मोहनपुर की जनता एक होकर के प्रदीप यादव जी को हाथ के निशान पर पटल दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए। खड़गे जी ने कहा, अपना योजना बताया कि इन्होंने आगे इनको हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे गरीबों के लिए, देशवासियों के लिए। इन्होंने बताया, अपने कुर्बानी को गिनाया जो कांग्रेस ने देश को जिता, देश को आजाद कराने में जो वादा निभाया था। हम आप लोगों से कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था जब जय हिंद फौज बनाया था, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम मोहनपुर की जनता से कहना चाहते हैं, तुम हमें वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये नौकरी ट्रेंड करेगा, नौकरी ट्रेंड करेगा, नफरत ट्रेंड करने वाला नहीं है। इसलिए मिजाज क्या है, टनाटन टनाटन टनाटन। दीदी महिलाओं के खाता में 1,00,000 रुपए आएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। नौजवानों को नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। अब भाजपा हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। तो भाइयों, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं। इस अवस्था में हम लोगों ने लगभग बिहार में 212 रैलियां हमने की हैं, क्योंकि ये ताकत ऊर्जा आप मालिकों से हम लोगों को मिलता है। आज सही बोला खड़गे जी ने, देश के संविधान को जो बाबा अंबेडकर साहब ने लिखने का काम किया है उसको भाजपा के लोग खत्म करना चाहते हैं। आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, पिछड़े अति पिछड़े भाइयों का ये अधिकार को छीनना चाहते हैं। आपको जो मिला आरक्षण है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं। हम भाजपा के लोगों को कह देते हैं, ये संविधान लिखे बाबा अंबेडकर, कोनो एड़ू गेड़ू बाबा नहीं लिखे, और किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल के दे दे। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अपने देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे, चाहे जो कुर्बानी हम इंडिया गठबंधन के लोगों को देने की जरूरत पड़े। तो आप सब लोग ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार हाथ उठा करके आश्वस्त करो मोहनपुर की जनता, चुपचाप हाथ पर बटन दबेगा, हम बोलेंगे चुपचाप, आप कहेगा हाथ छाप, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। अरे बड़े भाई है हमारे प्रदीप जी, एक एक वोट ही नहीं बल्कि एक एक व्यक्ति जो यहाँ आया है 10-10 वोट का इंतजाम करेगा, 10-10 वोट का इंतजाम करेगा। तो ज्यादा समय नहीं है, आगे भी खड़गे साहब का कई कार्यक्रम है, चंपई साहब को भी बोलना होगा या कार्यक्रम है, तो हम ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। देवघर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हिंद जय झारखंड, जोहार आप सब लोगों को।